माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी प्रश्न उत्तर पड़ा हुआ प्रश्न पूछ ले। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगिनी का जो अभी 1/4/2023 को 15% मानदेय में वृद्धि किए, तो 50% और वृद्धि करना ऐसे कोई मंशा रखते हैं या सेवानिवृत्त होने पर उनको पेंशन देने का विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की हमारे मानदेय कर्मचारियों की, लगातार पिछले 3 वर्षों से राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने बजट के अंदर 10%, 20%, 15%, कुल 45% मानदेय बढ़ा दिया है। और ये जो मानदेय कर्मचारियों का जो मानदेय है अध्यक्ष महोदय, ये 60-40 के रेशो पे चलता है, 60 केंद्रांश और 40 राज्यांश। लेकिन आज की स्थिति बड़ी विचित्र है, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि राज्यांश तो 70% हो चुका है और केंद्रांश सिर्फ 30% है। तो केंद्र को हमने कई बार पत्र लिखा कि जो जिस आधार पे विभाग चल रहा है, जिसकी मूलभूत भावना दोनों सरकारों की मिलकर कार्य करने की है, तो केंद्रांश को बढ़ाएं। लेकिन केंद्रांश तो बढ़ नहीं रहा और वहीं का वहीं 1 रुपया पिछले 6-7 साल के अंदर केंद्र सरकार ने मानदेय कर्मचारियों का नहीं बढ़ाया। सद्भावनाएं तो सभी सदस्य प्रकट करते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने पेंशन की बात कही है, तो ये मानदेय कर्मचारी है, इनकी पेंशन हम नहीं बांध सकते, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने इनके कार्य को, इनके जज्बे को सलाम करते हुए, जब ये रिटायर होंगे तब इनको 1 मुश्त 2 और 3 लाख रुपए देने की बजट घोषणा इसी बजट के अंदर की गई है। अगला प्रश्न, लाखन सिंह।